सोनपुर मेले में आने वालों के लिए होगी ये सुविधाएं, जिला अधिकारी ने दिए कई निर्देश। सोनपुर में लगने वाले एशिया के सबसे बड़े पशु मेले की तैयारियों के मद्देनजर गुरुवार को जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को कई सारे निर्देश दिए, साथ ही बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेले में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। कहीं भी अंधेरा नहीं रहे इसके लिए हर जगह लाइटिंग की व्यवस्था करने तथा पेयजल की भी समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। इस पर PHED के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पेयजल के लिए रंगीन पाइप लगा दिए गए हैं, 2 दिनों में शौचालय भी बनकर तैयार हो जाएंगे। जल निकासी हेतु सोक कॉकपिट बनाया गया है और साथ ही साथ सोक पिट भी बनाया गया है, जिसकी कुल संख्या 150 है। उन्होंने कहा कि घाटों पर चेंजिंग रूम भी बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सोक पिट ऐसा बने जिसका व्यवहारिक रूप में उपयोग हो सके। जिस एजेंसी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है उनसे अधिक संख्या में सफाई कर्मियों को रखने का निर्देश दिया गया है और संपूर्ण मेला क्षेत्र में साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही गई है। घंटों तक चली बैठक के बाद यह बातें जिलाधिकारी ने निर्देश दी और शनिवार से रविवार तक सभी कार्य पूर्ण हो जाने के भी आदेश दिए। जिलाधिकारी के द्वारा मेला उद्घाटन की तिथि 21 नवंबर की रखी गई है। इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में सभी कार्यक्रमों की मिनट टू मिनट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी द्वारा मेला परिसर में स्थलों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, जहां CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस मौके पर सोनपुर विधायक रामानुज प्रसाद ने कहा कि यह मेला सोनपुर की पहचान है, बदलते हुए परिस्थितियों में मेला को कैसे बेहतर बनाया जाए इसका प्रयास होना चाहिए। इसका पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ आर्थिक महत्व भी है। यहाँ के लोगों को इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मेले में स्वच्छता, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था की ख्याल को रखा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि तमाम व्यवस्था के लिए तमाम पुलिस कर्मियों को भी वहाँ पर अवगत कराया गया है, वहाँ पर तैनात कराया गया है। साथ ही साथ मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिहार सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रही है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।